अस्सलाम वालेकुम। क्लास एट हम आपके कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर के हमने चैप्टर नंबर 9th कंप्यूटर वायरस के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें तो इसके पार्ट फर्स्ट हमने रिवाइज कर लिया था। आज हम उसके पार्ट सेकंड जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट सेकंड में क्या है, सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर वायरस के सोर्स टाइप्स हमने पढ़ लिया था, कंप्यूटर वायरस क्या होता है वे सब हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स आर डिजाइंड टू कंफ्यूज एंड इरिटेट द ऑपरेटर, बट अदर वायरस कैन प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल टू ए कंप्यूटर सिस्टम। कुछ वायरस प्रोग्राम्स जो है जब उसमें आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज करते हैं, ऑपरेटर को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं। बट कोई कोई वायरस जो है वहाँ पे क्या करते हैं, हार्मफुल, वो उसके लिए ख़तरनाक है, वो वहाँ पे प्रूव कर देते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। दे कैन मॉडिफाइड आवर कॉर्पोरेट फाइल्स, डिलीट डाटा, स्टेल पासवर्ड्स एक्सेट्रा। जब वो उसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं तो उस फाइल्स को पूरी तरह से ख़त्म करते हैं, डिलीट करते हैं डाटास को, पासवर्ड को वगैरह को, ठीक है। दिस स्टार्ट इंजेक्शन प्रोग्राम फाइल्स इन वर्ड प्रोसेस सेपरेट शीट पैकेज। ये क्या करते हैं, एक इंजेक्शन प्रोग्राम जो है वहाँ पे स्टार्ट करते हैं फाइल्स में, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, सेपरेट शीट पैकेज एक्सेट्रा में। Some of the routes through which a virus can attack a computer virus, कुछ जो है उसके थ्रू क्या करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स पे कुछ वायरस उनके रूट्स के थ्रू उन पर क्या करते हैं उसको उस पर अटैक करते हैं उसके रूट्स के थ्रू। अब फ्लॉपी डिस्क, फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क, be very careful about putting a floppy disk that has been in a and in another computer in your computer, even if it is from a trusted source. हमें जब फ्लॉपी डिस्क को वहाँ पे लगाने से हमें पूरी तरह से ख्याल रखना है कि इसको लगाने से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस जो है वो उससे भी आ सकता है। तो आप जब फ्लॉपी डिस्क यूज़ करोगे तो वहाँ पे वायरस है कि नहीं ये आपको केयरफुली ख्याल रखना है। फ्रॉम द इंटरनेट, वायरस कैन अटैच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट फाइल्स सच एज graphics and programs files that people download from the internet. इंटरनेट से जैसे कि आप कोई चीज़ जो है अलग अलग चीज़ें जब उसके साथ अटैच करते हैं इंटरनेट फाइल्स पे अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि सर्च ग्राफिक्स वगैरह हो या कोई लोग जो है कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। फ्रॉम ईमेल, वायरस ऑफ्टन ट्रबल वेव ईमेल अटैचमेंट। जब आप कोई ईमेल जो है यहाँ पे अटैच करते हैं तो उसकी वजह से भी वायरस आ सकते हैं। ईमेल मैसेजिंग बाय देमसेल्फ टू नॉट कैरी वायरस, ईमेल मैसेजेस जब करते हैं तो वो कोई केयर नहीं करते हैं कि वायरस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनको नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे कि onlyx.coms अदर टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेबल फाइल्स कैरी कैन कैरी ए वायरस, जैसे कि ex.coms वगैरह जो है अलग अलग टाइप्स के एक्सेप्टेबल फाइल्स है जो कि इनको केयर करते हैं, ठीक है, वायरस से। फ्रॉम ए कंप्यूटर नेटवर्क, अब कंप्यूटर नेटवर्क से, कंप्यूटर नेटवर्क आर ए ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर लिंक टुगेदर बाई ए लार्ज कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर। जब आपके कंप्यूटर्स ग्रुप्स में नेटवर्क्स में जब एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं सर्वर्स तो उसकी वजह से भी वायरस आ सकते हैं। द सर्वर कैन देयर एंड दिस कंप्यूटर कॉन्स्टेंटली शेयर इंफॉर्मेशन, सर्वर्स के क्या करते हैं हमारे इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, ठीक है। If one file that is used by survival network user becomes infected,
इन्फेक्टेड विद ए वायरस। जब कोई यूज़र जो है कुछ चीज़ें सर्वर्स नेटवर्क जब हम एक फाइल्स जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी वायरस उस पर इन्फेक्शन फैलाते हैं। द वायरस विल स्विफ्टली सेपरेट टू द अदर यूज़र्स, एक से दूसरे में चला जाता है। ठीक है, ये था सोर्स। अब उसके क्या है, सिम्पटम्स ऑफ ए कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर वायरस के सिम्पटम्स जब वो उसमें आ जाते हैं तो क्या होता है। द पॉसिबल इंडिकेशंस दैट ए कंप्यूटर हैज़ बीन इन्फेक्टेड बाय ए वायरस एंड द फॉलोइंग कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे सिम्पटम्स। यू आर अनएबल टू एसिस्ट द हार्ड ड्राइव व्हेन बूटिंग फ्रॉम द फ्लॉपी ड्राइव। जब आप कोई हार्ड ड्राइव उस पर बूटिंग करते हो फ्लॉपी में तो वो वहाँ पे अनएबल जो है वहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद है द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव कॉन्स्टेंटली रन्स आउट ऑफ द फ्री स्पेस, आउट ऑफ फ्री स्पेस दिखाते हैं। स्ट्रेंज ग्राफिक्स आर शो ऑन योर कंप्यूटर मॉनिटर, आपके कंप्यूटर के मॉनिटर्स पे अजीब अजीब चीज़ें जो है वहाँ पे दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, एक सिम्पटम्स क्या हुआ, जैसे कि आप कोई चीज़ हार्ड ड्राइव्स वगैरह जब उसके साथ अटैच करते हैं लगाते हैं तो वो वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो दूसरा सिम्पटम्स क्या है, आपकी जो कंप्यूटर का जो स्पेस है वो आउट ऑफ रन फ्री स्पेस दिखाते हैं, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, बार बार यही शो करते हैं। तो उसके बाद स्ट्रेंज ग्राफिक्स आर शो ऑन योर कंप्यूटर मॉनिटर, आपके कंप्यूटर के मॉनिटर्स पे अजीब अजीब ग्राफिक्स जो है वहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में है ही नहीं वो चीज़ें वहाँ पे शो करना शुरू करते हैं। द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आवर हार्ड ड्राइव रन्स व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, आप जब आप कुछ यूज़ नहीं करते हो तो आपकी फ्लॉपी डिस्क हार्ड ड्राइव जो है वो रन नहीं हो पाते हैं, आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप कोई फ्लॉपी डिस्क या हार्ड ड्राइव्स वगैरह जब उस पर सेल लगाते हो तो वो वहाँ पर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। प्रोग्राम्स आर इरेटिकली, वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग जो है वो इरेटेट कर देते हैं। प्रोग्राम साइज कीप अल्टरेटिंग, प्रोग्राम का साइज़ भी क्या दिखाते हैं, अजीब चीज़ें दिखाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स टेक्स लॉन्गर टू ए लोडेड दैन नॉर्मल, वहाँ पे कुछ चीज़ें लोडेड दिखाते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा लेंथी दिखाते हैं, कभी कभार नॉर्मल दिखाते हैं। कन्वेंशनल मेमोरी इज लेस देन इट इज़ यूज टू बी एंड यू कैन एक्सप्लेन इट, ठीक है, आपकी मेमोरी जो है वो बहुत कम दिखाते हैं जब आप उसे यूज़ करते हैं। तो जब आप कोई, आप सबको पता होगा जब आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपकी स्पेस भी नहीं दिखाते, आपके फाइल्स का नाम्स जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है स्ट्रेंज साउंड आवर बीपिंग नॉइस कम फ्रॉम द कंप्यूटर आवर कीबोर्ड, कंप्यूटर या कीबोर्ड से अजीब अजीब चीज आवाज़ें जो है वहाँ से आना शुरू करते हैं। आपके कंप्यूटर जो है अजीब अजीब आवाज़ें करते हैं, कीबोर्ड जो है वहाँ से अजीब अजीब चीज आवाज़ें करते हैं। फाइल्स हैव स्ट्रेंज नेम्स यू डोंट आइडेंटिफाई, आपके फाइल्स का नाम जो है वो स्ट्रेंज अजीब अजीब नाम जो है वहाँ पे दिखाते हैं, आपको वहाँ पे कोई नाम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये उसके कुछ सिम्पटम्स था। तो उसके सिम्पटम्स आपको, उसके जब कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो इसके सिम्पटम्स क्या होता है, जैसे कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे जब बुखार हो जाते तो बीमार हो जाते, कभी कभी हमें बुखार हो जाते हैं, ज़ुकाम हो जाते हैं, खांसी हो जाते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी जब वायरस आते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू करते हैं, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिखाते हैं, या उसकी मॉनिटर्स पे अजीब अजीब चीज़ें जो है वो शो करते हैं। आप कोई फ्लॉपी डिस्क हार्ड ड्राइव्स वगैरह जब उसके साथ यूज़ करते हैं तो आप उसको रन नहीं कर पाते हैं। तो या ये था, आपकी जो फाइल्स का नाम है वो अजीब अजीब नाम जो है वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, जो आपने सेव नहीं किया था। स्ट्रेंज नेम्स, अलग नाम जो है
वहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।